वैसे तो सौर मंडल में कई ग्रह हैं जिनके पास अपने अपने चंद्रमा हैं, वहीं कुछ ग्रहों के पास बहुत सारे चंद्रमा हैं, लेकिन जब बात करें पृथ्वी की तो पृथ्वी के पास सिर्फ एक चांद है, लेकिन अब हमारे पास एक नहीं बल्कि दो दो चांद होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। जी हाँ, दरअसल एक दुर्लभ खगोलीय घटना में हमारी धरती को उसका दूसरा चांद मिल गया है, जिसके बाद अब इसे मिनी मून कहा जा रहा है और इसका नाम 2024 PT5 बताया जा रहा है। असल में ये एक एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह है जिसे पृथ्वी की ग्रेविटी द्वारा पकड़ा गया है। ये अंतरिक्ष में अपनी लंबी यात्रा पर है और ये धरती की ग्रेविटी की शक्ति के प्रभाव में एक चक्कर यहाँ लगाकर आगे बढ़ेगा। यह 25 नवंबर 2024 तक पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले 2024 PT5 कब और कहाँ दिखा था। नासा की नज़र में सबसे पहले 2024 PT5 इसी साल 7 अगस्त को आया था। यह मिनी मून अर्जुन एस्टेरॉयड बेल्ट का हिस्सा है जो धरती और सूर्य के बीच स्थित है। वहीं इस बेल्ट में कई छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कभी कभी धरती के करीब आ जाते हैं। ये बेल्ट सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है जो धरती की सूर्य से दूरी के बराबर है। 2024 PT5 एस्टेरॉयड में पृथ्वी के समान चट्टाने भी हैं। लगभग 37 फीट 10 मीटर व्यास वाला ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के प्राकृतिक चंद्रमा से काफी छोटा है। वहीं सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर यह बेल्ट है, करीब उतनी ही दूरी जितनी धरती की सूरज से है। वहीं आपको बता दें कि ये पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर नहीं लगा पाएगा। इसके आगे बढ़ने से पहले पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण इसकी कक्षा में थोड़ा परिवर्तन होगा। ये एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में अपनी जर्नी फिर से शुरू करने से पहले केवल 57 दिनों के लिए पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और साथ ही इसकी रफ्तार लगभग 2200 मील प्रति घंटे की होगी। वैज्ञानिक अभी अनिश्चित हैं कि क्या ये 2024 PT5 एस्टेरॉयड महज अंतरिक्ष चट्टान का एक टुकड़ा है या चंद्रमा का एक टुकड़ा है जो बहुत पहले टूट गया था। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी न्यूज़।